वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं गैलेक्सी टेक टिप्स, समथिंग टेक की समथिंग टिप्सी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अमेज़न पर इन्फ्लुएंसर बनकर किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड साथ में बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी अपडेट्स को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, टेक टिप्स की गैलेक्सी में खो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने पीसी या फिर अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में सर्च करना है इन्फ्लुएंसर अमेज़न, या फिर अमेज़न इन्फ्लुएंसर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट दिखेगी वो अमेज़न इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम की दिखेगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको दिखेगा ज्वाइन नाउ और नीचे भी एक दिखेगा ज्वाइन नाउ। इसके लिए फ्रेंड्स, आपके पास में या ट्विटर या फिर यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, इन चार में से एक होना चाहिए और इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन पर फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ ट्विटर के साथ में, क्योंकि इसमें ख़ास बात यह है, अगर आपके पास में ट्विटर या फिर यूट्यूब का अकाउंट है तो आपको तुरंत के तुरंत अप्रूवल मिल जाता है, अगर इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका अकाउंट बना हुआ है तो, उसमें फॉलोवर्स हैं तो या सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अगर आपके पास में इनमें से कोई अकाउंट नहीं और से नहीं हो पा रहा है तो आपको एक से लेकर पाँच दिन तक वेट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने वाला हूँ आज ट्विटर के साथ में, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आपके पास पहले से अमेज़न का अकाउंट बना हुआ है, अगर आप एफिलिएट करते हैं या फिर आपने कुछ परचेज किया है तब अकाउंट बना लिया है, अगर आपके पास में पुराना अकाउंट है तो आप साइन इन पर क्लिक करके उस अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करके एक नया अकाउंट बना लें। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे साइन इन करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास पुराना अकाउंट है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट करके बना सकते हैं। तो मैं साइन इन कर रहा हूँ, तो मेरा पासवर्ड इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आप एक बार नाम डालना है और यहाँ से आपको अपना लोगो ले लेना है। तो मैं लोगो लेने वाला हूँ अपना यहाँ से, और जाता हूँ मैं फ़ोटोज़ में। आपका जहाँ भी हो, आप डेस्कटॉप या फिर फ़ोन, जो भी जिससे भी बना रहे हैं अकाउंट, आप अपना अकाउंट वहाँ से ले लीजिएगा। तो मैंने सिंपली ले लिया है, आ गया फ्रेंड। यहाँ पे आपका नाम पब्लिकली जो कि कभी भी संभल नहीं सकता, ध्यान से डालना इसको। तो मैं यही डाल देता हूँ जो मेरा चलता है। और यहाँ पे आप सॉर्ट बाय हो, तो मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ भी, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैं ऐसे ही डाल देता हूँ फ्रेंड्स अभी। तो आप भी अपने हिसाब से अच्छा सा डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये हमारा हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपने सोशल अकाउंट भी फिल कर सकते हैं। तो मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे सारे, तो आप भी फ्रेंड्स डाल देना सारे। तो मेरा अगर देखिए फ्रेंड्स, हर जगह पे गैलेक्सी टेक टिप्स ही चलता है, तो आप हर जगह पे
इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंट्रेस्ट, जहाँ भी आप सर्च करेंगे आपको मेरा नाम मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सारे फिल कर चुका हूँ मैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जब सारे फिल कर दें, इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह का आपके सामने दिखेगा। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको कर देना है, देखिए फ्रेंड्स ये जो स्पेस दिया है इसलिए रेड बन के आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये स्पेस अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो उसको स्पेस को हटा दें ताकि ये ग्रीन टिक आ जाएं। ये ग्रीन टिक आ जाएंगे, इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका हो जाएगा स्टोर फ्रंट। यहाँ पे आपको अपना लोगो लगा लेना है और एक यहाँ पे स्टोर फ्रंट नेम, स्टोर फ्रंट टैगलाइन। तो मैं यहाँ पे वही लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी लगा लीजिएगा। इसके बाद में ठीक है, अब ये तो हमारा लग गया। यहाँ पे स्टोर फ्रंट नेम आप जो भी रखना चाहें अच्छा सा, या फिर आपका प्रोफेशनल कोई नेम है तो आप वो रख सकते हैं। इसके बाद में स्टोर फ्रंट टैगलाइन, तो मेरा मैं रख देता हूँ समथिंग। समथिंग गजब प्रोडक्ट्स, नहीं मैं अपना वाला ही रखता हूँ, समथिंग गैलेक्सी, सॉरी समथिंग टैक्की, समथिंग टिप्सी। अभी मैं ऐसे ही बनाने के लिए आपके सामने कुछ भी रख रहा हूँ, बाद में आपको फ्रेंड्स ध्यान से रखना। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ आएगा हाउ डिड यू फाइंड इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, आपको ये पता कहाँ से चला इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में। तो आप रेफरल, प्रेस मीडिया, जिसके जरिए पता लगा हो तो आप कर दीजिए। मैं करने वाला हूँ यहाँ पे साउ एंड ऐड सोशल मीडिया, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। खबर भी यहाँ पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आप लगा लेना, मैं बाद में लगाने वाला हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम और लास्ट टाइम जो भी नाम है अपना पूरा नाम डालना है जो आपका बैंक अकाउंट में हो। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस लाइन टू, सिटी, सिटी के बाद में स्टेट आपका, इसके बाद में आपका जिप कोड, और इसके बाद में आपकी कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अगर आपका कोई ब्लॉग है तो वो ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद में, ब्लॉग डाल देने के बाद में, और इस पर एग्री वाले पे टिक करके आपको सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली कर दिया है, तो ये रिडायरेक्ट होगा अब ये दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस तो होगा, और ये आपका होगा पब्लिक URL, जो कि आप कहीं भी डालेंगे तो आपको पूरा स्टोर खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो पिछली बार हमारा लिंक बना था amazon.in shop, जो भी आपका शॉप है, तो उसको आप कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन कर लें। ठीक है, मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ। तो उसको ओपन करने के बाद अगर मोबाइल में आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट कर लें। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट एकदम बन चुका है, बैनर हम लगाना चाहें लगा सकते हैं, अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिखेगा ऐड टू योर स्टोर फ्रेंड, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब फ्रेंड्स दो तरह की लिस्ट होती है, एक आइडिया लिस्ट और एक शॉपेबल फ़ोटो। अगर फ़ोटो वाइज आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट आइडिया लिस्ट। तो सिंपली हम कर रहे हैं आइडिया लिस्ट पे क्लिक। इसके बाद में आइडिया लिस्ट का आपका नाम, तो आप जो भी रखना, मैं एग्जांपल के लिए अभी कर रहा हूँ बेस्ट माइक, बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब,
इसके बाद में चीपेस्ट एंड इसमें डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं अच्छा सा, तो मैं सिंपल अभी दे रहा हूँ केवल चीपेस्ट एंड बेस्ट माइक, ठीक है। इसके बाद हम आपको इस पे डिस्क्रिप्शन में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, तो सिंपली मैं अभी बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, अब इसमें फ्रेंड्स आपकी एक लिस्ट बन गई है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, तो फ्रेंड्स आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड आइटम टू योर लिस्ट, दिस आइडिया लिस्ट इज पब्लिक। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ सर्च कर लेना है जो भी आप, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं बोया M1 माइक, तो मैं सर्च कर रहा हूँ इसको, और इसको हम ऐड करते हैं यहाँ से, और दूसरी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे आ गए, तो हमको कौन सा ऐड करना है इसमें हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं अब दूसरी टैब खोल रहा हूँ, और दूसरी टैब में सर्च करता हूँ मैं बोया M1 माइक। देखो मैं सर्च करता हूँ आपके सामने बोया M1 माइक, अब फ्रेंड्स ये सर्च कर लिया, अब हमारे सामने ये आ गया, हमको ये देख लेंगे अभी फ्रेंड्स, अभी देखते हैं। तो जैसे ये ओपन होगा आप देखेंगे, अगर अमेजन चॉइस है तो अच्छी बात है, हम यानी कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड करें ताकि लोग परचेज कर सकें। तो फ्रेंड्स स्लो स्पीड है नेट की, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ फ्रेंड्स आ गया, अब फ्रेंड्स ये आ गया, इसको हमको कर लेना है डेस्कटॉप साइट इसको भी, तो मैं बताता हूँ यहाँ से कैसे आप कुछ भी सर्च करके आप कैसे ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया, इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिखेगा ऐड टू बिस्ट लिस्ट, फ्रेंड्स इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो एरो नीचे को है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, ये ऊपर वाली हो गई हमारी प्राइवेट है, इस पर हमको अपने बेस्ट माइक वाले पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा ऐड हो गया। और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं आपको पूरा स्टोर फ्रंट बना लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने दो लिस्ट बनाई हैं, एक माइक की और एक स्मार्टफोन की, अब फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं ये कैसी दिखती हैं। फ्रेंड्स ऐसे जिस पे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, उस पे आपके प्राइस भी दिखेंगे, और फ्रेंड्स आपकी बहुत ही अच्छा लुक होगा। चलिए फ्रेंड्स ये तो हम देख रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे ऐसा दिख रहा है, दूसरे लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो करते हैं सी व्हाट सी। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ दिखेगा दूसरों लोगों को, और हमको फॉलो भी कर सकते हैं, अगर उनका अकाउंट बना हुआ है तो वो हमको फॉलो भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अगर वो क्लिक करेंगे तो इस तरह से उनको दिखेगा, और वो चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं कि मोबाइल पे किस तरह से दिखेगा, तो फ्रेंड्स मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखेगा, तो मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ दिखेगा, और फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ से, शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और कोई अगर सवाल हो तो फिर कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।